भाजपा नेता प्रशांत राय को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल। राजनीतिक हिंसा की इस घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि हुगली जिले के चांपदानी नगर पालिका के 15 नंबर वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता प्रशांत राय के ऊपर गोली चलाई गई है और बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से प्रशांत राय बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए चंदन नगर महकमा अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस घटना का आरोप कथित और तृणमूल कांग्रेस पर लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशांत राय के दाहिने हाथ में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गोली प्रशांत राय के घर के पास उन्हें मारी और एक के बाद एक चार गोली फायरिंग की, जिसमें से एक गोली प्रशांत राय को लगी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। इलेक्शन शुरू है কথাই হচ্ছে খেলা হবে। আমি সব জায়গায় বলেছি, আমি নির্বাচনে কালকে পুজো দিয়ে শুরু করার পরিষ্কার বলেছি, আমরা খেলা হবে সঙ্গে কোনো বিশ্বাস করি না। রাজনীতি এবার কিসের খেলা হবে? আমরা আমাদের বিচার বলবো, তারা তাদের বিচার বলবে, জনসমাজ ঠিক করবে। এখানে এসে সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যে গুলি করা চালাচ্ছে, কিসের জন্য চালাচ্ছে? উনি একটা পিএল করেছেন, তার কি হবে না সে দেখা যাবে। এত ভয় কি হয়েছে এরকম তাকে জীবনে মারতে হবে? এটা ঠিক নেই না, যে অত্যাচার শুরু করেছে এটা তৃণমূল সরকার যে করছে এটা ঠিক করছে। কি মনে হয় গুলি খাওয়া গেল? প্রশান্ত রায়, প্রশান্ত দাই করেছিলেন, প্রশান্ত কুমার রায় আছেন, সাধারণ কার্যকর্তা আছেন, বিজেপি সাধারণ কার্যকর্তা আছেন, 15 নম্বর ওয়ার্ডে থাকেন, উনি কার্যকর্তা কাজ করেন। চাপ দাঁড়িয়েছে চাপ দাঁড়িয়ে।